मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के प्रभारी श्रीमान अनिल जैन जी, कैथल के जिला अध्यक्ष श्रीमान अशोक गुर्जर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई नायब सैनी जी, कैथल विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी सैनी जी, कैथल विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर जी, पुंडरी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री वेदपाल एडवोकेट जी, गुड़ा के प्रत्याशी रवि दादावली जी, कलायत के प्रत्याशी बहन कमलेश ढांडा जी, धर्मपाल शर्मा जी, संजय भारद्वाज जी, रामपाल राणा जी, मुनीश भाई, श्री शम सिंह सागरा जी, राव सुरेंद्र सिंह, कुलवंत बाजीगर जी, अरुण सर्राफ जी, बुटा सिंह जी, नरेश जी और आज इस सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज चुनाव की घोषणा के बाद मैं सबसे पहले कैथल के अंदर प्रचार करने के लिए आया हूं और कैथल से प्रचार शुरू करते वक्त मेरे मन में पूरा विश्वास है और मुझे भरोसा है ये वीर भूमि हरियाणा की जनता पर, ये किसानों की भूमि हरियाणा की जनता पर कि अब की बार 75 पार करकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, कैथल की भूमि महाराजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की, लगभग 5000 साल से पुराना यहां का इतिहास है। यहां के खांडेश्वर मंदिर के भोले बाबा को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी चुनाव शुरू हुआ है और चुनाव इस प्रकार से शुरू हुआ है कि हमारे विरोधियों को मालूम ही नहीं पड़ता कि पूरब से शुरू करे, पश्चिम से करे, उत्तर से करे, दक्षिण को करे, कोई दिशा उसकी नहीं। अब उनको राजनीति कहां से शुरू करनी, क्या करना, मोदी जी के नेतृत्व में दिशा का भी भान नहीं रहा है। कल विजयादशमी थी, परंपरा से विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई के विजय के लिए मनाई जाती है, शस्त्र पूजन करके मनाई जाती है। कल के ही दिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, राफेल को हमारी एयरफोर्स के अंदर शामिल करकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। देश के रक्षा मंत्री राफेल को शामिल करने के लिए विजयादशमी के दिन फ्रांस की भूमि पर गए, उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। भाई, इतने सारे कैथल वाले हैं, मुझे बताओ विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करते हैं या नहीं करते हैं? जरा जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? ये परंपरा को चालू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? मोदी जी ने राफेल को शामिल किया, राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजन किया, कांग्रेस वाले इसका भी विरोध करें। मैं इनको कहना चाहता हूं, तनिक रात को सोचा करो किस चीज का विरोध करते हैं, किसका नहीं करते। मित्रों, अभी अभी देश की संसद के अंदर
कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं। धारा 370 और 35 है, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ परमानेंट कायमी जुड़ावों के बीच में एक रोड़ा है, वो हटना चाहिए। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, किसी ने हिम्मत नहीं। कई लोग आए, कई लोग चले गए, तीन तीन पीढ़ियों तक शासन करा, मगर हिम्मत नहीं थी धारा 370 हटाने की। ये हरियाणा की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पहले ही संसद के सत्र के अंदर धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग। और मित्रों, एक ऐसा काम था जब हम अपेक्षा करते थे, किस काम के अंदर हर पार्टी का सहयोग मिले, क्योंकि एक काम कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं था, राजनीतिक काम नहीं था, देश की सुरक्षा का काम था, देश को एक और अखंड बनाने का काम था। इसमें सभी दलों ने एक वाक्यता लाने की जरूरत थी, एक सूर लाने की जरूरत। मगर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट किया। मित्रों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने धारा 370 हटाने का विरोध किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, हरियाणा की जनता के सामने, ये वीर भूमि की जनता के सामने आकर स्पष्ट करो कि आप धारा 370 को हटाने के साथ हो या खिलाफ। हरियाणा वो भूमि है जिस भूमि के कितने भी लालों ने, असंख्य लालों ने, असंख्य बेटों ने कश्मीर को बचाने के लिए अपने जान का बलिदान देने का काम मेरे हरियाणा के जवानों ने। देश की सेना को सबसे ज्यादा जवान देने वाला प्रदेश जो कोई है तो मेरी वीर भूमि हरियाणा है। मित्रों, हरियाणा और कांग्रेस पार्टी जब कभी भी चुनाव के मैदान में आए, हरियाणा की जनता को बताए कि धारा 370 हटानी चाहिए, दिया नहीं हटा। हम तो 70 साल से एक देश के अंदर दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलते। एक देश में दो झंडे होने चाहिए, क्या बताओ भाई? दो राष्ट्रध्वज एक देश में होने चाहिए, दो संविधान हो सकते हैं क्या? दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? अगर ये नहीं हो सकता है तो धारा 370 भी नहीं। मगर कांग्रेस वालों का क्या है, भाजपा जो करेगी उसका विरोध करेंगे। हम कहेंगे दिन है तो कहेंगे रात, हम कहेंगे उजाला है तो वो कहेंगे अंधेरा है। वो देखेंगे नहीं कि सूर्य नारायण दोपहर को है, अंधेरा नहीं कह सकते। हम भी विपक्ष में बैठे हैं कैसा मानो, उनसे ज्यादा लंबे समय तक हम विपक्ष में बैठे। 71 में लड़ाई हुई, इंदिरा गांधी जी ने देश की प्रधानमंत्री थी, देश पाकिस्तान के साथ लड़ा, विजय हुआ, बांग्लादेश की रचना हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के अंदर इंदिरा बहन की भूरी भूरी प्रशंसा करी थी, क्योंकि ये विजय कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, देश की, ये देश का मामला। 1994 में नरसिम्हा राव जी कांग्रेस की पार्टी से प्रधानमंत्री थे, यूएन के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए बात रखनी थी, नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को रिक्वेस्ट की कि यूएन के अंदर कश्मीर की बात आप अच्छे से अच्छी रख सकते हो, आप जाइए और भारत का पक्ष रखिए। अटल जी ने आपकी तरह नहीं किया था, मना नहीं किया, कश्मीर का विषय लेकर यूएन जनरल असेंबली में गए और पूरी दुनिया को बताया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस प्रकार की बातों में
दल गत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह भी मालूम नहीं। मित्रों, आज मैं 2019 में यहां आया हूं। 5 साल पहले मैं हरियाणा की जनता के सामने भाजपा के अध्यक्ष नाते आया था। उस वक्त मैंने कहा था कि 5 साल का हमें मौका दीजिए, हम हरियाणा की राजनीति को बदल देंगे, हरियाणा को बदल देंगे। और मित्रों, ये हरियाणा की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, पूर्ण बहुमत दिया और मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री बने। मनोहर जी ने 5 साल का शासन, 5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं पूरी बात तो बता नहीं सकता, मगर मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं। जब भी हरियाणा में सरकार बनती थी, जातियों के साथ जोड़कर सरकारों को लेके जाता था। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। मनोहर लाल खट्टर सरकार ऐसी बनी जिसकी कोई जाति नहीं है, ये सरकार हर हरियाणा वासी की सरकार। छोटा आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी, हुड्डा जी आते थे, भ्रष्टाचार बढ़ता था। एक आता था डंडा खाना पड़ता था, दूसरा आता था रिश्वत देनी पड़ती थी। एक भाजपा सरकार, खट्टर सरकार एनसी आई, ना गुंडागर्दी है ना भ्रष्टाचार है, लोगों को अपना काम मेरिट से मिलता है। हरियाणा के अंदर देश भर में हरियाणा नौकरियों के बाबत में बदनाम, नौकरियों का बाजार लगता था। जाति देखी जाती थी, कौन ज्यादा पैसा देता है वो देखा जाता था। बड़े बड़े नेता नौकरी देने में आज जेल में बैठकर बुढ़ापा काट रहे हैं, जेल में बैठ। मनोहर लाल खट्टर जी ने नौकरियों में से पूरी रिश्वतखोरी समाप्त कर जो बच्चे में ताकत है, जो बच्चा मेरिट्स में आगे है, एक भी पैसे का करप्शन करे बगैर उसके घर नौकरी और ट्रांसफर दोनों पहुंचाने का काम हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर ने किया। मुझे बताओ भाई, क्या करवा लो, नौकरियों में पारदर्शिता आई है या नहीं आई है, बताओ जो चलो बताओ, आई है या नहीं आई है, भ्रष्टाचार अटका है या नहीं अटका है, गुंडागिरी खत्म हुई या नहीं हुई है। ये सारा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 ही साल में आज हरियाणा के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां गैस का चूल्हा नहीं। हरियाणा को केरोसिन मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार ने किया है। मित्रों, ये हरियाणा पूरे देश भर में बदनाम था कि यहां बेटियां कम जन्म लेती है, बेटियों को जन्म से पहले ही मां की कोख में मार दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने हरियाणा को एक अपील करी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा का एक नारा बनना चाहिए, बेटी यही भूमि की कल्पना चावला अंतरिक्ष तक गई थी, ये हरियाणा में से बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए। और मित्रों, मैं आज हरियाणा की सभी माताओं को और भाइयों को प्रणाम करके ऋण स्वीकार करना चाहता हूं। हरियाणा ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सार्थक कर लिंग अनुपात को सबसे अच्छा सुधार देश भर में करने का काम हरियाणा की सरकार ने। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना देश के 50 करोड़ गरीबों को, 10 करोड़ परिवारों को जिनको कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा नहीं मिलता था, वो सभी गरीबों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो गया है।
और मनोहर लाल जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दो। लगभग लगभग पौने हरियाणा को इसके अंदर कवरेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मित्रों, ढेर सारे काम हरियाणा के अंदर हुए हैं। मैं इसी जिले की बात करूं, कैथल की ही बात करूं, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय मुंद्री में बनाया गया, कैथल में नया एक और यूनिवर्सिटी बनाया गया, सरकारी नर्सिंग कॉलेज बनाई गई, अमृत योजना में कैथल का चयन किया गया, बायोमास बिजली की परियोजना के जिले में करी गई, 11 करोड़ रुपए की हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम इसी जिले में बनाया गया, कैथल नरवाना हिस्सा राजस्थान सीमा राजमार्ग 4 लाइन करने की शुरुआत कर दी थी, कैथल में एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 1 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। 30 साल बाद सबसे ज्यादा नहरों का पानी अगर कोई एक 5 साल में मिला है कैथल को, तो ये 5 साल के अंदर मिला है। 11 नए बिजली के पावर हाउस बनाए गए, सड़कों का जाल बनाया गया है, फसलों के नुकसान के लिए सबसे ज्यादा बीमा देश भर में कहीं पाता है तो कैथल के किसानों को अंदर बांटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक मंडियों में सहायता के दर से सबसे ज्यादा खरीदी कर दी और 70,000 से ज्यादा नौकरियां किसी भी सिफारिश के बगैर इन पूरे हरियाणा में देने का काम इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आने वाले 5 सालों के अंदर किसान सम्मान निधि हर किसान को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। छोटे दुकानदार और रिटेलर के लिए मोदी जी ने अलग पेंशन योजना दुकानदारों के लिए शुरू कर दी है। जल शक्ति मंत्रालय बनाकर हर किसान के खेत में माइक्रो इरिगेशन ड्रिप और स्प्रिंकलर पहुंचाने के लिए हरियाणा की नई सरकार जो बनने वाली है वो कटिबद्ध है। ये विकास की जो यात्रा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, इसको गति देने का काम आप लोगों को करना है। लगभग हरियाणा के 10 लाख किसानों का 4700 करोड़ से ज्यादा ब्याज और जुर्माना माफ किया, किसानों के मुआवजे की रकम 7,000 से बढ़ाकर 12,000 करोड़ की। देश का पहला राज्य है जिसमें भावांतर भरपाई योजना के तहत टमाटर और आलू को भी शामिल करने का काम यहां पर किया गया है। ये खिलाड़ियों का प्रदेश, रानी में नई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई, हर सरपंच आज पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई राज्य है तो मेरा हरियाणा सबसे पहला राज्य है जहां सरपंच पढ़े लिखे बैठे हैं। हर गरीब परिवार को एक नौकरी दी गई है। खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने के लिए भर्ती में प्रमोशन प्रायोरिटी दी गई है। 18,000 ग्रेड 4 के कर्मचारियों को इंटरव्यू के बगैर कोई सिफारिश नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई करप्शन नहीं, उसको नौकरी देने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया है। और 72,000 से ज्यादा ट्रांसफर करने का काम ये मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। और आप तो कैथल वाले हो, मोदी जी कुछ भी करें तो भाई सुरजेवाला के पेट में दर्द हो जाता है, दर्द दर्द कर दो। अभी मोदी जी अमेरिका गए, हाउडी मोदी का शो हुआ, विश्व भर में नरेंद्र मोदी की तारीफों के फूल बांधे, सूर्य
मुझे बालाजी के पेट में दर्द हो गया, ये दर्द की दवाई कहां से लाके हिंदुस्तान में। मोदी जी ने भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया। अभी अभी कांग्रेस के एक नेता बोलते थे कि मोदी जी विदेशों में घूमते हैं, मोदी जी विदेशों में घूमते हैं। मैंने थोड़ा जांच करा कि मनमोहन सिंह के 5 साल और मोदी जी के 5 साल ज्यादा विदेश में कौन गया, देखो भाई, तो मालूम पड़ा मोदी जी कम गए हैं, मनमोहन सिंह ज्यादा गए। तो मुझे मेरे मन में भी सवाल हुआ कि भाई दिखता तो ऐसा है कि मोदी जी ज्यादा गए, ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने दो लोगों को पूछा, तो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि साहब इतना भी मालूम नहीं है आपको, मैं तो ना पे इसलिए तो आपको पूछ रहा हूं, आप बताओ ऐसा क्यों लगता है। तो उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जाते थे तो मैडम जो देती थी वो टाइप किए हुए 2 पत्ते लेकर जाते थे और 2 पन्ने वहां पढ़कर वापिस आ जाते और 2 पन्नों में भी कभी मलेशिया का पन्ना थाईलैंड में पढ़ देते थे, कभी थाईलैंड का पन्ना मलेशिया में। दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। अब अपने मोदी जी जाते हैं एयरपोर्ट पर हजारों हजारों लाखों की भीड़, मोदी 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 का कर मोदी जी के स्वागत में खड़ी रहती, कार्यक्रम करते हैं, देशों के राष्ट्राध्यक्ष आश्चर्य चकित रह जाते हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चीन जाए, जापान जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, जर्मनी जाए, फ्रांस जाए, लंका जाए, नेपाल जाए, भूटान जाए, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं इतने लोग मोदी जी को सुनने के लिए कैसे आते हैं। अभी अमेरिका गए, ट्रंप साहब भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी भीड़ कहां से आती है, वो रोक नहीं पाए। उन्होंने माइक में भी बताया कि भाई इतने लोग अमेरिका में मोदी को सुनने के लिए कहां से आते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में जो सम्मान प्राप्त करते हैं ना, वो सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान का सम्मान नहीं है हरियाणा वालों, वो सम्मान भारत की 125 करोड़ जनता का सम्मान है जो विदेश पूरे संसार के अंदर भारत को सम्मान दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पूरे संसार के अंदर अपनी भाषा को, अपनी हिंदी को पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों, और देश आज पूरी दुनिया देश को सम्मान के साथ देख रही। हमने देखे जमाने, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैरों से पानी करते थे और दिल्ली से उफ नहीं कर सकते थे। 5 साल के अंदर 2 घटनाएं हुई, उरी और दूसरी घटना हुई जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। सबको लगता था कि अब क्या हो सकता है, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बालाकोट के अंदर हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जवानों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर वो अपने जवानों का बदला देकर वापस आए। और मैं बताना चाहता हूं, एक भी जवान अपना मारा नहीं गया, और जब अपने जवान वापस बदला लेकर आए तो दुनिया को, दुनिया में देश को देखने का नजरिया पूरा बदल गया। पहले कहते थे दुनिया के दरबार में हम फरियाद करने के लिए जाते थे कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, हमारे जवानों को मार देता है। अब पाकिस्तान दुनिया के दरबार में फरियाद करने के लिए जाता है कि नरेंद्र मोदी की सेना हमारे यहां घुस गई। ये परिवर्तन जो आया है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद है। नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को बताया है।
कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और भारत की सेना के जवानों की जान की कीमत हम जानते हैं। मित्रों, एक गौरव बख्शने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हुआ है। आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। मित्रों, ये जो गति हुई है, यात्रा हुई है विकास की, इसका समर्थन मांगने के लिए मैं आज हरियाणा की जनता के पास आया। धारा 370 हटाने का हौसला नरेंद्र मोदी जी ने, 3 तलाक को हटाने का हौसला नरेंद्र मोदी जी ने, और मैं आज आपको कहने वाला हूं फिर से हम 24 में आपके सामने वोट मांगने आएंगे, उसके पहले देश से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 70 साल से ये घुसपैठिए देश के अंदर घुसकर हमारी सुरक्षा पर बड़ा सवाल या निशान लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी का संकल्प कि घुसपैठिए को एनआरसी बनाकर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाकर हम देश के बाहर निकालें। मुझे बताओ हरियाणा वालों, इन घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? कांग्रेस पार्टी है, अपने सुरजेवाल जी विरोध कर रहे हो, उनको कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? नहीं, कौन समझाएगा? कैथल वाले समझाएंगे क्या? समझाएंगे क्या? अगर कांग्रेस वाले आते हैं तो पूछना जरा कि 3 तलाक हटाने का विरोध क्यों किया, 370 हटाने का विरोध क्यों किया, 35 से हटाने का विरोध क्यों किया, घुसपैठिए निकालने का विरोध क्यों कर रहे हो?